18 जून पिछले 24 घंटा में नॉर्थ इंटीरियर उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट्स में मेनी प्लेसेस में, नॉर्थ कोस्टल उड़ीसा साउथ इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट्स में कुछ कुछ स्थानों पर और साउथ कोस्टल उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट्स में केवल एक दो जगह में हल्का से मध्यम बारिश थंडरस्टॉर्म का साथ हुआ है। हाईएस्ट बारिश हुआ मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट का जमसला घाट 48.8 मिलीमीटर, नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट का रानपुर 48.8 मिलीमीटर, संबलपुर डिस्ट्रिक्ट का जुजुमरा 44.8 मिलीमीटर और मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट का जोशीपुर 41.2 मिलीमीटर। अभी हमारा सीजनल रेनफॉल जो 1 जून से आज 18 जून तक हुआ है ये टोटल 37.8 मिलीमीटर हुआ है स्टेट एवरेज, और हमारा इस समय स्वाभाविक होता है 102.1 मिलीमीटर, ये 63% कम है। अभी हमारा मॉनसून का जो स्टेटस है, मॉनसून आज प्रोग्रेस नहीं हुआ है उड़ीसा में, अगला 2-3 दिन का अंदर उड़ीसा का कुछ और भी कुछ पार्ट्स में मॉनसून प्रोग्रेस होने का चांसेस है। अभी हमारा फोरकास्ट है अगला 5 दिन का जो है, नेक्स्ट 24 आवर्स में नॉर्थ इंटीरियर उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट में मेनी प्लेसेस नहीं, बाकी डिस्ट्रिक्ट में कुछ कुछ स्थानों पर हल्का से मध्यम बारिश थंडरस्टॉर्म का साथ होने का चांसेस है। थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग का ज्यादा पॉसिबिलिटी है नोआपारा, बोलांगीर, कालाहांडी, कंधमाल, गजपति, गंजाम, नयागढ़, बौद्ध, अनुगुल, ढेंकनाल, संबलपुर, देवगढ़, केन्द्र, मयूरभंज, बालासोर, भद्रक, जाजपुर, कटक डिस्ट्रिक्ट में, और हेवी रेनफॉल एक दो जगह में हो सकता है अनुगुल, केन्द्र, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। फिर कल 19 में हमारा इंटरविश्य का डिस्ट्रिक्ट में मेनी प्लेसेस नहीं, और कोस्टल विषय में कुछ कुछ स्थानों पर हल्का से मध्यम बारिश थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग का साथ हो सकता है। 20 में बारिश का मेनली कोस्टल विषय का डिस्ट्रिक्ट में इंक्रीज करने का चांसेस है। 20, 21, 21 इसमें मेनी प्लेसेस में हल्का से मध्यम बारिश होगा, एक दो जगह करके हेवी रेनफॉल भी एक दो डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है। भुवनेश्वर सिटी में अभी मेनली जनरली क्लाउडी स्काई रहेगा, थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग एक्टिविटी टुवर्ड्स इवनिंग बनाइट का तरह हो सकता है।